हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर के क्वेश्चंस को। यहाँ पे लेवल टू के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर। आफ्टर कोलिजन विथ एन इलेक्ट्रॉन इट इज़ फाउंड टू हैव अ रेडियस ऑफ 21.2 × 10⁻¹⁻ मीटर। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है ना। तो देखो ज़रा हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमको ये देखना है सबसे पहले, राइट। ओके, तो देखते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में रेडियस जो है वो लिखा है कितना है, दैट इज़ 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन जो है वो फाउंड रेडियस जो है वो कितनी है, 21.2 × 10⁻¹⁻ मीटर, ठीक है ना। ये किसी भी हायर सेल की रेडियस है, क्लियर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना है, तो आपको पता है कि रेडियस जो है वो किसी भी सेल के लिए होती है रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है ना। तो रेडियस जो है वो आपकी फर्स्ट सेल की रेडियस जो है वो कितनी होती है, 0.53 × 10⁻²/z। ये हमारा फॉर्मूला है और ये एंगस्ट्रॉम में आता है, यूनिट एंगस्ट्रॉम में, राइट। तो देखो जरा हाइड्रोजन एटम के लिए जेड जो है वो फिक्स होगा, ठीक है ना। ये भी फिक्स होगा, अगर हम रेडियस कंपेयर कराएंगे दोनों के लिए तो ये भी फिक्स हो जाएगा, राइट। तो बस ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट सेल की रेडियस और आर एन किसी भी एन सेल की रेडियस जो है वो किसकी इक्वल होगी, ठीक है ना। तो रेडियस जो है वो एन सेल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, ठीक है ना। तो एन वन स्क्वायर माइनस एन एन स्क्वायर, ठीक है। अब पता नहीं कौन सा सेल है तो वही फाइंड करना है, राइट। तो ये तो हमारा जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा, बस अब वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने के लिए थोड़ा सा पेन जो है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आर वन जो है वो कितना है, दैट इज 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर। दूसरा वैल्यू कितना है, 21.2 × 10⁻¹⁻ मीटर, ठीक है ना। ये हमारा एन वन जो है वो वन का स्क्वायर है और हमें एन एन स्क्वायर जो है वो हमें चाहिए, ठीक है ना, ये चाहिए। तो एन एन स्क्वायर ये हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 21.2 × 10⁻¹⁻ अपॉन 5.3 × 10⁻¹⁻, ठीक है ना। तो जब ये कैंसिल होगा तो ये जो है वो 4 times, तो n n स्क्वायर दैट इज 4, तो n n जो है वो 2 हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल से ग्राउंड सेल में ट्रांजिशन होता है तो रेडियस जो है वो ये चेंज आता है रेडियस में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है, What should be the wavelength of energy respectively of the emitted light when the electron of hydrogen atom under transition from first excited state to ground state, ठीक है ना। तो देखो ज़रा हमको wavelength बतानी है, okay, फिर हमको energy भी बतानी है, okay, ठीक है ना। और emitted light जो है electron का transition hydrogen atom में कहाँ कहाँ हो रहा है, first excited state to ground state, okay। तो फर्स्ट एक्साइट और ग्राउंड स्टेट को हम कैसे बताएंगे, तो देखो ज़रा ये न्यूक्लियस है, तो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ठीक है, और ये इन्फिनाइट सेल है, राइट। तो फर्स्ट सेल को अपन बोलते हैं ग्राउंड सेल या ग्राउंड ऑर्बिट, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड सेल है, सेकेंड सेल को बोलते हैं अपन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और थर्ड सेल को बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ सेल को बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्लियर है। ओके, तो इसका मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट मतलब आपका एन जो है वो
N1 जो है वो 1 है और N2 जो है वो 2 है, क्लियर है, आगे बात समझ में। तो लैम्डा जो है वो निकाल लो, तो यहाँ पे जो है वो हम फॉर्मूला रखेंगे तो 1/λ ये इक्वल होता है RHZ² ठीक है, 1/N1² - 1/N2², ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगी, RH कितना होता है, दैट इज़ 1.09 × 10⁻⁷, यहाँ पे होता है 7 ठीक है ना, और ये मीटर इनवर्स होता है ठीक है। जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होगा तो 1 का स्क्वायर कर दो, ओके। अभी ये N1 1 का स्क्वायर, ये आपका N2 2 का स्क्वायर, आगे बात समझ में। तो 1/λ = 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा ठीक है ना, तो ये 1 का स्क्वायर ठीक है ना, तो ये आपका 4 माइनस ये 4, तो ये आपका 1 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/λ = हो जाएगा 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, और ये इनटू 3/4 हो जाएगा ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो चलो अब वेवलेंथ निकाल लेते हैं, वेवलेंथ तो आ जाएगी, तो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल हो जाएगा ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दैट इज यस, तो आपका 4/3 × 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स ठीक है ना, ये आपका वेवलेंथ हो जाएगा ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा राइट, ओके। तो ये कैलकुलेटर आ चुका है, तो 4/3 फिर डिवाइड करोगे 1.09 ठीक है, तो ये 1.223, तो 1.223 10⁻⁷ था तो 10⁻⁷ हो जाएगा, और ये मीटर इनवर्स ऊपर जाके मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा राइट, ओके। तो आपका ये तो आ गया, वेवलेंथ तो आ गया, तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में, तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डेसिमल को और आगे खिसकाएंगे तो 1.223 कर लो ठीक है, 3 डिजिट डेसिमल खिसका तो ये 10⁻⁻ मीटर हो गया ठीक है ना। तो 10⁻⁻ मीटर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ एंगस्ट्रॉम, तो 1.223 दैट इज़ एंगस्ट्रॉम राइट। ये तो हमारी वेवलेंथ आ गई, तो 1.223 थोड़ा बहुत तो एरर चलेगा ठीक है ना, थोड़ा बहुत एरर जो है वो चलेगा, तो इतना एंगस्ट्रॉम आ गया। अब हमको चाहिए क्या, चाहिए एनर्जी चाहिए राइट, तो वेवलेंथ हमने बता दिया और एनर्जी कितनी होगी राइट, तो इसको अब हम साफ कर लेते हैं ठीक है ना। तो एनर्जी जो है वो बताना है, इस ट्रांजिशन में एनर्जी कितना होगा ठीक है ना, तो एनर्जी देखो बता देते हैं, तो डेल ई ठीक है, चेंज इन एनर्जी ठीक है, ये होता है 2.18 × 10⁻¹⁸ ठीक है, ये जूल ठीक है, और आपका जेड स्क्वायर 1/N1² - 1/N2² ठीक है ना, सेम टू सेम फॉर्मूला है, और डेल ई इक्वल 2.18 × 10⁻⁸ जूल। आप इसको एनर्जी को ऐसे भी निकाल सकते थे, E=hc/λ से ठीक है ना, एनर्जी आप ऐसे भी निकाल लो तो भी चलेगा राइट, और ऐसे भी निकालना हो तो भी चलेगा, दोनों तरीके हम आपको बता देते हैं ठीक है ना। तो ये तो आपका जो है वो 18 जूल हो गया, तो इसको थोड़ा सा ठीक है, जूल डिस्टर्ब हो गया था, तो इसको ओके, ये जूल 1/1² - 1/2² ठीक है ना, तो डेल ई 2.18 × 10⁻¹⁸ ठीक है, ये जूल, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3/4 आया था ठीक है ना, तो बस कर लो इसको जरा, इसको 2.18 × 3
डिवाइडेड बाय 4, राइट, तो 1.635, तो डेल ई जो है वो आ गया 1.635 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, ठीक है ना। तो 1.635 10 की पावर 18 जूल, ठीक है ना, ओके। तो ये तो एनर्जी जो है वो अर्ग में है, तो अर्ग में कन्वर्ट कर लेते तो 1 जूल होता है 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका ऐसा फ्रैक्शन बनाएंगे कि जूल नीचे आए तो 10 की पावर 7 अर्ग ऊपर और 1 जूल नीचे, ठीक है ना। तो 1.635, ठीक है ना, तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, तो डेल ई जो है वो आ जाएगा कितना, 1.635 10 की पावर जो है वो -11 अर्ग, ठीक है ना। तो 10 की पावर -11 अर्ग, ठीक है। तो आपका जो है वो इधर किसका हो गया, तो ये 10 की पावर -12 अर्ग हो जाएगा। तो डेल ई मतलब 16.35 10 की पावर -12 अर्ग, ठीक है ना। तो आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। तो हमको सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन के लिए हमें क्या बताना है, एनर्जीज का बताना है रेशियो, ठीक है ना। तो बता देते हैं एनर्जीज का रेशियो, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या होता है, ये होता है हमारा -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये एनर्जी होती है। जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो जो है वो क्या होता है, ये सेम हो जाएगा और नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये एन इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी सभी में सेम होगा। तो हमारा एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जेड स्क्वायर के, ठीक है ना। तो बस हम देख लेते हैं, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर के। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस 1, ये जेड जो है वो हाइड्रोजन का स्क्वायर और जेड जो है वो सोडियम प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। तो ये प्लस 1 नहीं होगा, ये प्लस 11 होगा, ठीक है ना, प्लस 10 कर लो यहाँ पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो तभी ये प्लस 10 का स्क्वायर होगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, राइट। तो उसके लिए ये रेशियो आएगा, ठीक है ना, ओके। तो वहाँ पे थोड़ा एरर होगा, ओके। तो आगे देखते हैं, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस 10, ये हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर होगा और ये सोडियम 10 जो है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। तो 11 स्क्वायर, ओके, तो ये हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 ही रहेगा और 11 का स्क्वायर दैट इज 121 हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ सोडियम 10 प्लस 10, ठीक है ना, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 1/1 रेशियो, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है, दैट इज द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम 10 एंड हाइड्रोजन। तो इसको उल्टा कर लो, ठीक है ना, सोडियम प्लस 10 एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा, 121 रेशियो 1 हो जाएगा, राइट। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 121 रेशियो 1 हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी इन साइकिल पर सेकेंड
ऑफ द इमिटेड रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एम एनर्जी लेवल टू के एनर्जी लेवल इफ द वैल्यू ऑफ आर इज 10^5 सेंटीमीटर इनवर्स। राइट, तो यहाँ पे देखो जरा, ये हमारा के एल एम एन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल एंड ये फोर्थ सेल हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो कि एनर्जी का ट्रांसफर एम से के में गया, एम मतलब थर्ड सेल से के मतलब फर्स्ट सेल में गया, तो एन वन इक्वल टू वन और एन टू इक्वल टू यहाँ पे थ्री हो गया। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एम से के में चला गया। ठीक है, ओके, अभी क्या करना है अपने को, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन हमको वेवलेंथ का फॉर्मूला जरूर पता है। वन अपॉन लेमडा, ये होता है आर एच, जेड स्क्वायर, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, ये पता है। तो लेमडा सी इक्वल होता है न्यू लेमडा, तो लेमडा इक्वल हो जाएगा क्या भाई, लेमडा इक्वल हो जाएगा सी वाई न्यू। तो लेमडा की जगह हम जो है वो सी वाई न्यू रखेंगे। राइट, तो वन अपॉन सी बाय न्यू इक्वल आर एच जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। ओके, अब देखो जरा, न्यू तो ऊपर चला जाएगा और सी हम इधर भेज दें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, न्यू फ्रिक्वेंसी इक्वल टू आर एच, ये वेलोसिटी सी हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ऐसा कर लो। ठीक है, तो बस न्यू इक्वल टू आर एच की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10^5, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक है ना, तो सी भी जो है वो हम क्या लिखें, सेंटीमीटर में लिख लें, इंटू 3 × 10^8 जो है वो मीटर होता है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10^10 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, जेड जो है वो क्या होता है, किसके लिए भाई, ये व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकेंड इन द इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम टू के वैल्यू ऑफ आर। ओके, कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन एटम मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये वन का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, वन अपॉन ट्रांजिशन फर्स्ट सेल से हो रहा है, मतलब थर्ड सेल से फर्स्ट सेल में, तो ये थ्री का स्क्वायर करोगे। क्लियर है, ओके, अब देखो जरा ये कितना आया हमारा, तो न्यू इक्वल टू ये 3 × 10^15 ये 15 हो गया। ठीक है ना, ओके, अभी ये कितना हो जाएगा, दैट इज ये आपका 10^15 हो गया इंटू ये आपका 1 बचेगा और ये 1/9 हो जाएगा, तो एलसीएम ले लो 9, तो ये 9 − 1। ठीक है ना, तो 3 × 10^15 इंटू, ठीक है, इतना आ गया। तो अभी देखो ज़रा, आंसर बस आने वाला है, न्यू इक्वल टू 3 × 10^15 इंटू 8/9। ठीक है ना, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से तुम्हारा सेंटीमीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये यूनिट जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है, तो सेकेंड इनवर्स जो है वो यूनिट हो जाएगी, और सेकेंड इनवर्स जो है इसी को हम बोलते हैं साइकिल पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स दैट इज द साइकिल पर सेकेंड। ठीक है ना, ओके, इसी को हम हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है ना, एच जेड, ओके, तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 3 × 9 8/3, तो ये 8/3, तो ये 2.66 आया, तो 2.66 10^15, ठीक है, सेकंड इनवर्स, तो 8.8/3, हाँ 8/3 10^15, ठीक है ना, ये आ गया आपका, ये 8/3 आया और 10^15, ठीक है ना, तो आपका साइकिल पर सेकेंड हो जाएगा या सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लेवल 2 का क्वेश्चन 5 है।
द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इज 2.1810^18 जूल. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस विल बी. ओके, तो देखो जरा ये होता है हमारा एनर्जी का फॉर्मूला. एनर्जी ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ ग्राउंड सेल मतलब 2.1810^-18 ये जूल होता है. ठीक है, और ठीक है जूल, और जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला होता है. क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई. ओके, और ये जो एनर्जी होती है फर्स्ट सेल की नेगेटिव होती है. ठीक है ना, तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. तो ये एनर्जी जो है वो हमारी जो है वो यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए है. तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के लिए इतना हो गया. ठीक है ना, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस ये किस पे डिपेंड है? ये तो ये कट जाएगा फर्स्ट सेल के लिए, जेड पे डिपेंड करेगा. तो जेड हाइड्रोजन का स्क्वायर और जेड जो है वो हीलियम पॉजिटिव का स्क्वायर. ठीक है ना, कर देते हैं. तो एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी है भाई? ठीक है ना, ओके. अभी देखो जरा, ये ऐसा होता है डेल ई का मतलब एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, डेल ई मतलब होता है दैट इज द फाइनल, मतलब इन्फिनिटी सेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल. ठीक है ना, तो डेल ई ये तो जीरो होता है इन्फिनिट सेल की एनर्जी माइनस, और फर्स्ट सेल की एनर्जी होती है माइनस 2.18 × 10^18 जूल. ठीक है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस हो जाएगा. तो डेल ई मतलब चेंज इन एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, 2.18 × 10^18 जूल. ठीक है, इतनी जूल हो जाएगी. लेकिन अगर आप, ये तो चेंज इन एनर्जी हो गई, लेकिन अगर फर्स्ट सेल की एनर्जी लिखोगे तो ये नेगेटिव ही लिखनी पड़ेगी आपको. ये पॉजिटिव जो है दैट इज द चेंज इन एनर्जी है. ठीक है ना, ओके. तो बस लिख लेते हैं हाइड्रोजन की एनर्जी जो है वो फर्स्ट सेल की माइनस 2.18 × 10^18 जूल, ये फर्स्ट सेल की एनर्जी हमने लिखी है. ठीक है ना, और हीलियम, एनर्जी ऑफ हीलियम, एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस वन, इसकी एनर्जी जो है हमें चाहिए है. हाइड्रोजन के लिए वन का स्क्वायर करोगे, और इसके लिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4. ठीक है ना, तो एनर्जी जो है वो हीलियम प्लस की आ जाएगी. 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2.18 × 10^18 × 4. तो मल्टीप्लाई कर दो, 32 × 4 = 32, 3 हैं 4 × 1 = 7, 4 × 2 = 8. तो 8.72 × 10^18 जूल. ठीक है, और ये नेगेटिव में होगी, राइट. तो आपका जो है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, ओ हो 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 हो, ठीक है. ये तो आपका फर्स्ट, ये तो आपका एनर्जी जो है वो हीलियम का इतना आया. अभी सेकेंड ऑर्बिट पूछा है तो एन भी कर लो यार कंसीडर. ठीक है ना, तो इसको एन भी अपन कंसीडर करा लेते हैं यहाँ पे. ठीक है ना, तो एन जो है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो एन जो है वो ये हीलियम के लिए हो जाएगा, और एन जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए हो. एक काम करते हैं, ठीक है, इतना आ गया हीलियम का. ठीक है ना, तो ये हीलियम की एनर्जी जो होगी फर्स्ट सेल के लिए होगी. ठीक है ना, ओके. तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए चाहिए था ये, तो यार अपन ने बहुत लंबा कर दिया. ठीक है, बहुत ही लंबा कर दिया, ये तो इतना लंबा नहीं होना चाहिए था. ठीक है ना, एनर्जी हम हीलियम प्लस के लिए कर देते हैं. ठीक है ना, हीलियम प्लस के लिए. ठीक है ना, इतना लंबा नहीं करना था. ओके, एनर्जी देखो हीलियम प्लस वाले के लिए इस फॉर्म से डायरेक्टली आ जाएगी, दैट इज माइनस 2.18 × 10^-18. ओके, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर करोगे, और सेकेंड सेल के लिए है तो 2 का स्क्वायर करोगे, राइट. तो ये से हमारा ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा. तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन के लिए माइनस 2.18 × 10^-18 जूल जो है वो हो जाएगा, मतलब थर्ड आपका आ गया, राइट.
इतना निकालने की जरूरत है, मुझे लगा कि कंपेयर कराना है। ओके, अगर कंपेयर कराना है तो अभी क्या है, इतनी एनर्जी जो है वो है और इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, इतना आ गया, ठीक है ना, डायरेक्ट ही आना था, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीज 9 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ इट वुड बिकम, तो कितना होगा भाई हमको ये बताना है। तो देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीज 9 टाइम्स, तो वेवलेंथ, तो वेवलेंथ तो काइनेटिक एनर्जी रिलेशन क्या होता है, तो लैम्डा इक्वल होता है एच अपॉन एम बी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ वेलोसिटी स्क्वायर जो है वो 2 काइनेटिक एनर्जी बाय एम, ठीक है, मास हो गया, ठीक है, और अभी वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी बाय एम कर लेते हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो लैम्डा जो है वो हमारा हो जाएगा एच बाय एम, और वी की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट पोटेंस काइनेटिक एनर्जी 2 काइनेटिक एनर्जी बाय एम। तो अभी देखो जरा, ये भी एम, ये भी एम, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एम स्क्वायर बनेगा जो कि इस एम से कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा एच अपॉन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी में हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इज इंक्रीज 9 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ इट वुड बिकम, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी अगर 9 टाइम्स प्रोटॉन की इंक्रीज हो गई तो फिर कितना बनेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, तो देखो जरा लैम्डा जो है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, तो देखो जरा एच एम और टू ये तो कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी 2 और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इज इंक्रीज 9 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली एसोसिएटेड विद इट वुड बी बिकम, तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो गई, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, काइनेटिक एनर्जी को 9 टाइम्स कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो के ई टू जो है वो क्या हो गया, के ई वन का जो है वो 9 टाइम्स हो गया, तो के ई वन इंटू 9 के ई वन, ठीक है ना, ओके, तो ये से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ये कितना हो जाएगा रूट 9, ठीक है ना, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 ये रूट 9 मतलब 3 आ जाएगा, तो न्यू वेवलेंथ लैम्डा 2 जो है वो क्या हो जाएगी, वो इनिशियल वेवलेंथ का 1/3 हो जाएगा, राइट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो 1/3 टाइम्स जो है वो इनिशियल वेवलेंथ का हो जाएगा, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एन आयन एम एन ए पॉजिटिव हैज़ द मैग्नेटिक मोमेंटम इक्वल टू 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन, द वैल्यू ऑफ ए इज, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो ज़रा मैग्नेटिक मोमेंट जो है म्यू इक्वल होता है अंडर रूट एन एन प्लस 2, ठीक है ना, और म्यू की वैल्यू है 4.9 इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, राइट, तो देखो ज़रा ये लगभग लगभग 5 के आसपास होगा, तो मतलब ये रूट 25 होना चाहिए, ऑलमोस्ट रूट 25 या रूट 24 चलेगा, ठीक है ना, तो ऐसा जो है वो कहाँ पे आता है, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू अगर हम देखो यहाँ पे 3 रखें तो ये 3 दो 5 और 5 3 15 लो 4 रखें तो ये 4 दो 6 6 चौको 24 ओके रूट 24, तो रूट 24 की वैल्यू जो है 4.9 होगी, तो n जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 4, राइट, तो जब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे तो म्यू जो है वो आपका कितना होगा, दैट इज अंडर रूट एन एन प्लस 2, ठीक है ना, तो म्यू आपका जो है वो 4 प्लस 2, तो ये रूट 24 और रूट 24 जो है वो आपका 4.9 आएगा, राइट, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए, तो एम एन ए
पॉजिटिव हैज अ मैग्नेटिक मोमेंटम इक्वल टू 4.9 bm, द वैल्यू ऑफ ए इज, अच्छा ए पे कितना चार्ज है भाई, तो चार्ज बताना है, चलो बता देते हैं। तो देखो जरा मैंगनीज हमारा जो है 25 होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन 3d5 4s में 2 होता है, ओके। 3d5 के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5, और ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। अगर Mn प्लस 2 होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाते हैं, तो ये नहीं आता म्यू, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 करने हैं, मतलब Mn जो है वो प्लस 3 होना चाहिए, तीन इलेक्ट्रॉन ये निकल जाने चाहिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4, तो Mn प्लस 3 होगा, तो 3d में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो होंगे, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे बस, तो Mn जो है वो 3 होना चाहिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम द वेव फंक्शन साई इज प्रोपोर्शनल टू xp-r a0 बाई a0, वेयर a0 इज द वोर रेडियस, वॉट इज द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ न्यूक्लियस टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट a0, ठीक है ना, तो ये जो रिलेशन है ये आपका 0 होता है, ओके। तो कैसा होता है, द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट a0, ठीक है ना, तो a0 तुम्हारी वो रेडियस होती है, और फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन 0 होता है, तो जब आप रेशियो निकालोगे तो 0 डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा आंसर, ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन dxy ऑर्बिटल इज, तो dxy ऑर्बिटल जो होता है, तो देखो जरा ये हमारा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये डबल डंबल होता है, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस पे 45 एंगल पे जो है वो आपके डंबल बनते हैं, तो एक्स वाई एक्सिस पे 45 एंगल पे जो है वो एंगल बनेगा, तो आपका ये हो जाएगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा डी एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया। आगे बढ़ो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल प्लस एम फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन 17 इज, तो क्लोरीन 17 जो है वो देखते हैं, कन्फिग्रेशन देखो भाई 17 क्लोरीन 1s2 2s2 2p5 नहीं 2p6 और 3s2 3p5 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लो भाई, ये 2p6 है राइट, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, तो फर्स्ट सेल ग्राउंड सेल कहलाती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट सेल, ठीक है, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बात समझ में आ गई, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो वो कहता है मैक्सिमम वैल्यू एन प्लस एल प्लस एम फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो पी में मिलेंगे आपको, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो पी ऑर्बिटल है वहां पे हुंस रूल के अकॉर्डिंग 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये इलेक्ट्रॉन हमको अनपेयर्ड मिल जाएगा, ओके। तो 3p5 इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, इसके लिए एन जो है वो थर्ड है क्योंकि थर्ड सेल है, एल की वैल्यू पी के लिए 1 होती है, तो एस पी डी एफ ऑर्बिटल एल वैल्यू जो है वो 0 1 2 3, तो पी में है तो एल की वैल्यू जो है 1 होगी, और एम की वैल्यू जो है वो इधर पे देखो ज़रा, ये बीच में 0, ये -1 और ये +1, तो एम की वैल्यू आप +1 अगर कंसीडर कर लेते हो तो ये सम जो है वो एन प्लस एल प्लस एम कितना आएगा, दैट इज 3 + 1 + 1 दैट इज 5, तो ऐसा कोई आंसर दिखाई दे रहा है, नहीं तो भाई कोई नहीं आएगा, ठीक है ना, इतना सा माना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो डिस्टेंस बतानी है थर्ड एंड सेकंड बोर ऑर्बिट की, तो कैसे बताओगे, तो देखो जरा रेडियस होती है किसी भी सेल के लिए, तो वो होती है 0.53 × n² / z और ये एंगस्ट्रॉम यूनिट आएगी,
ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम है तो जेड वन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो है वो 0.53 इंटू हम एन स्क्वायर अकेला लिखे तो चलेगा क्योंकि जेड की वैल्यू तो वन होगी। ओके बात समझ में। तो सेकेंड और थर्ड के लिए निकाल लो, तो सेकेंड सेल के लिए रेडियस कितनी होगी 0.53 इंटू एन जो है वो कितना हो जाएगा सेकेंड सेल के लिए 2 का स्क्वायर, मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 12, 4 5 20 और 1 21, ठीक है ना, 2 डिजिट बाद डेसिमल आएगा। ओके, तो ये इतना एंगस्ट्रॉम। R3 जो है वो थर्ड सेल के लिए, ठीक है, तो थर्ड एंड सेकेंड सेल के लिए, तो थर्ड सेल की रेडियस कितने होगी 0.53 इंटू एन जो है वो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो R3, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 3 27, ठीक है, 9 4 36, 9 5 45, 45 2 47। ओके, तो 4.77 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ओके, अभी इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, तो माइनस कर दो भाई, 4.77 माइनस 2.12, तो डिस्टेंस जो है वो आपका R3 माइनस R2, ठीक है, ये जो है वो आपका आया कितना आया, दैट इज 4.77 माइनस 2.12, तो ये डिफरेंस आया 2.65 एंगस्ट्रॉम का। तो ये हमारा इतना डिस्टेंस है, ठीक है। अभी ये चाहिए आपको कितना मीटर या सेंटीमीटर में, तो 2.65, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो 10 की पावर सेंटीमीटर में तो -8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो देखो जरा क्या कहता है 12। रेशियो ऑफ E2 - E1 टू E4 - E3 फॉर द हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो रेशियो बताना है किसके इक्वल होगा। तो E2 और E1, तो हमें भाई एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, ठीक है, इतना ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो N1, N=2, N=3, N=4, तो एनर्जी निकाल लो। तो एनर्जी जो है वो होती है En, दैट इज -13.6, ठीक है, और ये जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, तो -13.6 हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर करोगे और ये 1 का स्क्वायर, दैट इज माइनस, इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगी, ठीक है ना। तो En जो है वो फर्स्ट सेल के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड सेल की एनर्जी देखते हैं E2, -13.6 ये 1 का स्क्वायर करोगे और ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो 3.4 आएगा, राइट। तो E2 जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। थर्ड सेल के लिए एनर्जी E3, -13.6/3 का स्क्वायर करोगे तो 9 से डिवाइड करना है, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 1.51, तो ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, राइट। तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। फोर्थ सेल की एनर्जी निकालते हैं, तो -13.6/4 का स्क्वायर करोगे तो 16 से डिवाइड करोगे तो 13.6 डिवाइडेड बाय 16, ओके, तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अभी अपने को कुछ नहीं करना, एनर्जी जो है वो आ गई है, ठीक है, और इन्फिनाइट सेल के लिए एनर्जी जो है वो 0 होती है, ई इन्फिनाइट मतलब ये 0, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी डिफरेंस रेशियो निकालना है तो निकाल लो रेशियो, अब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है ना, रेशियो ही निकालना है, कुछ बड़ा काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ E2 - E1 टू E4 - E3, तो
E2 माइनस E1 और E4 माइनस E3, ये रेशियो जो है बताना कितना होगा। तो देखो जरा E2 माइनस E1 कितना होता है, E2 कितना है -3.4 माइनस -13.6, ठीक है। E4 कितना है, दैट इज -0.85 माइनस कितना है 3, कितना है -1.51, ठीक है ना। ओके, तो ये रेशियो देखो कितना आया, तो 13.6 ये तो प्लस का हो जाएगा, तो 13.6 -3.4 करोगे तो ये 10.2 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +10.2, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.51 में 0.85 कम कर दो, तो ये प्लस का 6 बचेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो E2 माइनस E1 अपॉन E4 माइनस E3, इसका रेशियो जो है वो कितना आ जाएगा, तो 10.2 डिवाइड करोगे, ठीक है, 0.66, ठीक है ना, तो ये 15.45, ठीक है ना, तो ये 0.66 है, तो ये आपका आ गया 15.45, ठीक है ना। तो 15.45 मतलब आपका 15 कंसीडर कर लो, 15 होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करस्पॉन्ड टू वन नोड, किस में वन नोड होगा, तो ये इसमें वन नोड होगा, जब हम साई एंड वो रेडियस के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक नोड के लिए ये वाला ग्राफ आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, 14 नंबर, द नंबर ऑफ वेव मेड बाय अ वोर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 इज, तो देखो जरा, तो 2πr इक्वल होता है एन लैम्डा, तो किसी भी नंबर ऑफ वेव्स क्या होती हैं, किस मतलब एन इक्वल टू अगर 1 है तो नंबर ऑफ वेव जो है वो भी 1 होगा, एन इक्वल टू सेकेंड सेल के लिए है तो नंबर ऑफ वेव 2 होगा, एन इक्वल टू थर्ड है तो नंबर ऑफ वेव जो है 3 होगा, ठीक है ना, क्लियर है। और एन इक्वल टू 4 होगा तो नंबर ऑफ वेव भी 4 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोर्स इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 3, तो अगर एन जो है वो थर्ड है तो नंबर ऑफ वेव जो है वो एन अगर 3 है तो नंबर ऑफ वेव कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ वेव जो है वो 3 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ वेव मेड बाय बोर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अच्छा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है भाई 3, ठीक है, अभी ये मतलब हम ऑर्बिट की बात कर रहे थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 है, ठीक है ना। तो अभी देखो जरा, ये तो सेल है, ये क्या है, सेल है, और इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब m की वैल्यू जो है वो 3 दी गई है, तो m की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 3 दी गई है, मतलब कि आपका ये f और vital के लिए 3 होती है, ठीक है ना। ये 0, ये -1 -2 -3 +1 +2 और ये +3, ठीक है ना, तो 3 वैल्यू है, मतलब कि आपका f ऑर्बिटल है, और f ऑर्बिटल कहाँ से शुरू होता है, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ सेल से शुरू होता है, तो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे 4 हैं, तो वेव कितनी हो जाएगी, 4 बनेगी, राइट, तो आपका आंसर जो है वो 4 होगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगर नंबर ऑफ सेल 3 होता तो वेव भी 3 बनती। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर, अ कंपाउंड ऑफ वैनेडियम हैज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 1.73 पर मैग्नेट्रॉन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैनेडियम आयन इन द कंपाउंड इज, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है, तो बता देते हैं, यहाँ से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और कन्फिग्रेशन बता देंगे, ठीक है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखो जरा, म्यू अगर आपका 1.73 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, तो म्यू का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंटम, दैट इज अंडर रूट एन एन प्लस 2, ठीक है ना। तो ये जो है 1.73 मतलब ये रूट 4 से कम होगा, रूट 4 का म्यू जो है वो 2 आना चाहिए था, तो ये रूट 3 होना चाहिए,
ठीक है ना, रूट थ्री की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो रूट थ्री देख ले कहाँ पे आता है। तो देखो जरा, अगर n इक्वल टू वन रखेंगे तो ये वन प्लस टू, तो थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा। तो बस यहाँ पे n जो है वन होना चाहिए इस मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, राइट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो वैनेडियम का हमें मैग्नेटिक मोमेंटम इतना है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैनेडियम आयन ऑफ द कंपाउंड इज, तो वैनेडियम अगर मेटल होता, ठीक है, एटम होता, मेटल होता, इसका एटमिक नंबर होता है 23, ठीक है ना। तो इसका कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में इलेक्ट्रॉन होते 3, 4s में हो जाते 2, राइट। ओके, तो ये कन्फिग्रेशन होता। तो अभी यहाँ पे d में जो है वो 1, 2 एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ठीक है। लेकिन आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए एक, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करने पड़ेंगे और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो वैनेडियम जो है वो प्लस 4 आयन होगा, तभी इसका कन्फिग्रेशन होगा जो है वो 3d में 1 एंड 4s में 0। मतलब अब इतना जो रिमेनिंग पार्ट, तो अभी आपने लिखा ही नहीं, तो ये रिमेनिंग पार्ट किसका है, ये 10 और 8 18 आर्गन का। तो वैनेडियम प्लस 4, इतना कन्फिग्रेशन तो जो है वो आर्गन 18 का है, ठीक है ना। ओके, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं आर्गन 18, ठीक है, ये कन्फिग्रेशन लिखना है और फिर लिखना है 3d1, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी म्यू इतना आएगा, ठीक है ना। तो 3d1 4s0 ये भी लिख दूँ। ओके, तो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द वेव नंबर ऑफ लिमिटिंग लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। द वेव नंबर ऑफ द लिमिटिंग लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस वुड बी। ओके, तो वेव नंबर भाई क्या होता है, तो वेव नंबर, ये वेव नंबर कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज RH, रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड स्क्वायर 1/n1² -1/n2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो वेव नंबर जो है वो लिमिटिंग लाइन के लिए दिया है। लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग लाइन मतलब n2 जो है वो इन्फिनाइट हो और n1 जो है वो 1 हो। तो जब ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का इन्फिनाइट से फर्स्ट सेल में होता है तो लिमिटिंग लाइन बनती है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग लाइन, इसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्टीमेट लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सीरीज लिमिट, क्लियर है। तो लिमिटिंग लाइन तो हमारी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है इन्फिनिट सेल से फर्स्ट सेल में ट्रांजिट होता है तब। ओके, तो वेव नंबर ऑफ द लिमिटिंग लाइन लाइमन सीरीज के लिए वेव नंबर इतना है। द वेव नंबर ऑफ लिमिटिंग लाइन इन बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज के लिए कितना होगा, तो लाइमन सीरीज जो है इन्फिनाइट से वन में आएगा तो ये लाइमन सीरीज का लिमिटिंग लाइन होगा, और बाल्मर सीरीज के लिए क्या होगा, बाल्मर सीरीज के लिए लिमिटिंग लाइन क्या होगा, कितना होगा, जब n 2 तो इन्फिनाइट हो लेकिन n1 की वैल्यू जो है वो 2 होगी लाइमन, सॉरी बाल्मर सीरीज के लिए, ठीक है ना। बात समझ में आई, यस बात समझ में आई। तो वेव नंबर तो हमारा ये है, लाइमन सीरीज के लिए वेव नंबर कितना है, दैट इज वेयर इज कितना है आपका ये 109678, ये वेव नंबर है, ठीक है। RH हम ज्यों का तो लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब ये किसके लिए है, वेव नंबर लिमिटिंग लाइन हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसका 1 का स्क्वायर कर लो इधर पे, ठीक है ना, कर ही दो तुरंत ही, ये 1 का स्क्वायर कर दो। ओके, ये आपका 1/1 का स्क्वायर -1/∞ का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये पूरा जो है वो कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है वो ये आएगा, कितना आएगा आपका, ओके, तो वेव नंबर जो है वो आपका इतना आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये आपका ये RH की वैल्यू कितनी है, वेव नंबर कितना हो, RH के जितना होगा, तो RH कितना है आपका, दैट इज RH की वैल्यू कितनी है, RH जो है आपका 109
9678 होता है, तो वेव नंबर जो है वो RH की वैल्यू के इक्वल आ गया। ओके, अभी बाल्मर सीरीज के लिए काउंट करते हैं, तो बाल्मर सीरीज के लिए क्या होगा वेव नंबर, वेव नंबर क्या होगा बाल्मर सीरीज के लिए, तो देखो ज़रा RH की वैल्यू, ठीक है, और इसका हीलियम 2 का स्क्वायर होगा एटॉमिक नंबर, 1 अपॉन ये आपका 1 का स्क्वायर, सॉरी N1 मतलब 2 का स्क्वायर होगा माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 4, ठीक है, और ये भी हमारा 4, तो न्यू बार जो है वो RH इंटू 4 और ये बाय 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो न्यू बार RH की इक्वल होगा, RH कितना है 109678, तो सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है ना, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स, राइट, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में आपका यूनिट है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट करते हैं 17 नंबर, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन इज, तो स्पेसिफिक चार्ज बताना है, तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो होता है, क्या होता है ये रेशियो होता है, क्या होता है, दैट इज द चार्ज बाय मास, ये रेशियो होता है, चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई बाय एम रेशियो जो है वो स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है, तो स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है ना, और प्रोटॉन के लिए बताना है, यस, तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज मतलब प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास, तो इनका हम क्या करते हैं रेशियो निकाल लेते हैं, तो रेशियो ही तो बताना है, तो बता देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्पेसिफिक चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है, और मास कितना होता है 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, इस पे चार्ज कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, और मास कितना होता है 1.673 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है, तो भाई ये तुम्हारा चार्ज से ये तुम्हारा चार्ज जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना, तो अभी क्या होगा, ये मास ऊपर जाएगा, ये मास इसका नीचे जाएगा, तो ये 1.673 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम ये ऊपर, और ये 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम नीचे, तो अभी हम करते हैं डिवाइड, तो 1.673 इसको डिवाइड कर देते हैं 9.1 से, ठीक है ना, तो ये आपका आएगा 0.1838, तो E by P, दैट इज 0.1838, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, 27 से 28 29 30 31, तो 10 की पावर जो है वो 4 आएगा, क्लियर है, तो E by P, दैट इज द स्पेसिफिक चार्ज है, कितना हो जाएगा ये 1838, और ये पावर ख़त्म कर दो बाय 1, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेस हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज का 1838 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो स्पेसिफिक चार्ज पूछा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का, तो ये 1837 या 1838 थोड़ा तो चल देगा। आगे बढ़ो भाई, 18 नंबर कहता है द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर एन एंड एल, ठीक है, तो फर्स्ट के लिए एन इक्वल टू 4, एल इक्वल टू 1, तो देखो ज़रा एन 4 और एल जो है वो 1 है, तो मतलब 4p के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, तो L की वैल्यू मतलब S, P, D और F, L की वैल्यू जो है वो हम 0, 1, 2, 3, तो P के लिए 1 हो जाएगी, तो 4P हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं केस, N 4 है, L 0 है, N 4 और L जो है वो 0 है, तो ये 4 और L 0 किसके लिए होता है, S के लिए होता है, तो ये 4S हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। थर्ड देखते हैं तुम्हारा, N 3 है और L जो है वो 2 है, तो 3
और L2 किसके लिए होता है, दैट इज़ D के लिए होता है, तो 3D हो जाएगा। 4 देखते हैं, N जो है वो आपका 3 और L जो है वो 1 है, तो मतलब आपका ये 3P हो जाएगा। तो एनर्जी लेवल तो आपका आ गया, क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3P, फिर 3P के बाद आपका 4S के बाद 3D के बाद 4P, मतलब 3P क्या, ये 4 नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद ये कौन सा नंबर, 4S मतलब आपका सेकंड नंबर, ठीक है। फिर आपका ये 3D मतलब आपका थर्ड नंबर, ठीक है ना। और ये कौन सा नंबर, 4P दैट इज़ द नंबर 1, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है वो चलेगा, ठीक है। 1, 3, 2, 4, तो 1, 3, 2, 4 मतलब आपका ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 300 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना, एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। तो अनसर्टेनिटी पोजीशन मतलब हमें डेल एक्स जो है वो बताना है कितना है, ठीक है ना। तो डेल एक्स डॉट डेल पी ये होता है एच अपॉन 4π के इक्वल, हमें डेल एक्स बताना है, तो डेल एक्स इक्वल हो जाएगा एच अपॉन 4π, और डेल पी की जगह हम लिख सकते हैं डेल पी मास इनटू वेलोसिटी, तो ये मास इनटू वेलोसिटी लिख लो, ठीक है ना। तो डेल एक्स आ जाएगा, तो डेल एक्स देखो क्या होता है, तो डेल एक्स एच की वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34 जूल इनटू सेकेंड, ओके। एच नहीं, 4π कितना है 3.14 इनटू मास कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है ना। और वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड है, तो ये 300 मीटर पर सेकंड है, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो 0.001/100% की है, तो ये से ये कट गया, तो तुम्हारा 3 बचेगा, ठीक है ना, ओके। इस 3 को इधर से और उड़ा दो, तो ये 2.2 कर लो, ठीक है ना, अच्छी बात है। अभी क्या करोगे, अभी डिवाइड कर दो, तो डेल एक्स जो है वो आ जाएगा, क्या करना है आपको 2.2, ओके, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 4, फिर डिवाइड करोगे 3.14 से, फिर अगेन डिवाइड करोगे 9.1 से, ठीक है। अभी कुछ बचा, नहीं बचा, अच्छा डिवाइड करना है, अगेन डिवाइड करोगे 0.001 से, अभी क्या आया 19.24 आ गया, तो 19.24 आ गया इनटू 10 की पावर, ये माइनस 34 है, और इसको देखो कितना करते कम, माइनस 31 प्लस का 31 कम कर दो, ठीक है ना। तो 19.24 इनटू 10 की पावर जो है वो माइनस 3 बचेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ आपका मीटर हो जाएगा, तो 19.2 10 की पावर माइनस 3 मीटर जो है वो कहीं नज़र आ रहा है, कहीं नज़र आ रहा है, तो 19.2 10 की पावर माइनस ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसा कर लो 1.924 कर लो, 10 की पावर माइनस 2 मीटर कर लो, राइट। तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.312 10 की पावर 6 जूल मोल इनवर्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम n=1 to n=2 इज। तो देखो ज़रा, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो पता है हमको क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इसको हम डेल्टा ई भी बोलते हैं, और ये कब होता है, जब ई इन्फिनाइट माइनस ई वन होवे, ठीक है ना, ओके। तो आयनाइजेशन एनर्जी है 1.312 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो इन्फिनाइट की एनर्जी 0, और ये फर्स्ट सेल की एनर्जी, तो फर्स्ट सेल की एनर्जी जो है वो इतनी होगी, लेकिन नेगेटिव में होगी, 1.312 10 की पावर 6 जूल पर मोल, ठीक है ना, ओके। तो हमको फर्स्ट सेकेंड ट्रांजिशन में बताना है कि कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ओके। तो डेल ई इक्वल टू, ठीक है, डेल ई इक्वल टू, राइट,
फर्स्ट सेल के लिए एनर्जी निकाल लो, अलग अलग निकाल लो तो भी चलेगा। तो E1 फर्स्ट सेल के लिए एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो फर्स्ट सेल की एनर्जी तो इतनी है 1.312 × 10⁶ ये जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, तो एन तो वन है और जेड भी आपका वन है, तो ये इतनी ही है। तो E2 सेकेंड सेल के लिए कितनी है एनर्जी, तो निकाल लो ये −1.312 × 10⁶ जेड जो है वो वन का स्क्वायर है और एन जो है वो टू का स्क्वायर, मतलब फोर से डिवाइड कर दो तो E2 आ जाएगा आपका, तो 1.312 ÷ 4 तो 0.328, तो 0.328 × 10⁶ जूल पर मोल और ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, तो डेल ई जो है वो बताओ, तो डेल ई, ठीक है, तो डेल ई जो है वो बताना है, तो ठीक है कितना होगा E2 − E1, तो E2 कितना है −0.328 × 10⁶ −1.312 × 10⁶। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें से हमारा 1.312 इसमें से हम माइनस कर देते हैं, पॉइंट ये जीरो दब गया एक्स्ट्रा, ओके 0.328, ओके, तो आपका चेंज एनर्जी जो है वो डेल ई आ गया है, ये प्लस का होगा 0.984 × 10⁶ जूल पर मोल, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो डेल ई 9.84 × 10⁵ हो जाएगा जूल पर मोल, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा फोर्थ आंसर, राइट। तो ये हमारे लेवल वन का पहला वीडियो हो गया जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हमने डिस्कस किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर उसको शेयर करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस।